हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग में। आज ये पहला हमारा इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग होने वाला है जो कि RIMC के ऊपर ही है। दरअसल पेरेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उस पर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाया हूँ। और मेरे पास है RIMC का एक कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ विथ एनवलप। एनवलप के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड हैं, कैसे फॉर्म भरना है, सभी के बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो फॉर्म है ना, सबसे पहले इसके अंदर सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो फॉर्म है ना, ये आपके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता है, ये RIMC नहीं जाता। कुछ पेरेंट्स हैं कि वो RIMC में ये फॉर्म भेज देते हैं और फिर उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। देखिए, साफ साफ लिखा है, मैं उत्तराखंड में हूँ, तो यहाँ पर द चीफ एजुकेशन ऑफिसर मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड। ओके, और ये नीचे फिर सेल्फ एड्रेस है फ्रॉम जो भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेरी स्टूडेंट का है, तो मैं आपको अंदर से खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या चाहिए। तो वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें दो फोटोग्राफ्स भी हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को निकाल लेता हूँ। ओके, दो फोटोग्राफ्स अंदर हैं, तो वो भी मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो ये तो एनवेलप है, इसको मैं अब साइड में रखता हूँ और आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ क्या क्या आपको ज़रूरी है डालना। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आते हैं हम लोग। दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से भरते हैं। बच्चे की फ़ोटो पेस्ट होती है, उसके साइन, सारी डिटेल्स ऑलरेडी इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। दो फॉर्म्स हैं ये, दो फॉर्म्स, ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स आपको RIMC भेजने होते हैं। ठीक है, पीछे से स्कूल के सिग्नेचर भी इसमें होने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे इस तरीके से आप इस तरफ यहाँ देख सकते हैं, स्कूल के सिग्नेचर भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कम्प्लीट फॉर्म दोनों जाते हैं, दोनों में फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चे की, नीचे उसके साइन होने चाहिए सबसे पहले ये। फिर आपसे दो और फोटोग्राफ्स मांगी जाती हैं जिसके बैक साइड में बच्चे के साइन होंगे। ठीक है, तो ये बच्चे की फ़ोटोग्राफ है और उसके बैक साइड में बच्चे के साइन भी हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। दो एप्लीकेशन फॉर्म है, इनको मैंने साइड में रख दिया, दो फोटोग्राफ्स। उसके अलावा क्या क्या चाहिए? उसके अलावा स्कूल बोनाफाइड या स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। ओके, एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, इस तरीके से स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट बनता है ओरिजिनल। ये ओरिजिनल होगा, स्कूल का स्टैम्प होगा, प्रिंसिपल के साइन होंगे या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके साइन होंगे। बेसिकली बोनाफाइड का मतलब है कि बच्चा कौन से स्कूल में है, कौन सी क्लास में, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फोटो लगनी इसमें इंपॉर्टेंट है, बच्चे की फ़ोटो स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। और साथ ही साथ सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये जो छोटा सा एनवेलप RIMC देता है, इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको इसी में आएगा। और इस तरीके से 42 रुपीज़ की स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प भी इसमें लगा के आपको देना है। ठीक है, ताकि RIMC डायरेक्टली एडमिट कार्ड आपको इस रिस्पेक्टिव एड्रेस में डाल दे। नीचे अपने फ़ोन नंबर्स भी मेंशन कर दीजिएगा, इन केस कि पोस्ट ऑफिस में डिले होता है तो आपको फ़ोन करके भी वो सूचित कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड पहुँच चुका है। ठीक है, तो सेल्फ एड्रेस एनवेलप को भी मैंने एक साइड रख दिया है। उसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी, एंड इट शुड बी साइन बाय द गजेटेड ऑफिसर। ओके, ऐसे नीचे देखो उनकी स्टैम्प देख सकते हो आप, नीचे स्टैम्प लगी हुई और साइन है गजेटेड ऑफिसर के। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि स्टेट वाइज सीट्स रहती हैं RIMC में, हिंदी में इसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। इस तरीके से डॉक्यूमेंट रहने वाला है, नीचे होंगे साइन जिसके पास भी अटेस्टिंग अथॉरिटी है, उनकी स्टैम्प और साथ में साइन। एंड फाइनली आधार कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों होना चाहिए, एंड शुड सेल्फ साइंड। ओके, तो आप सेल्फ वेरीफाई करेंगे, इस पर बच्चे के साइन सिग्नेचर होना ज़रूरी है। सो दिस ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इस तरीके से आप करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एक साथ रख लिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ऐसे बीच में, आगे पीछे भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो इन सभी को आप इस बड़े से एनवेलप में डालेंगे। दो फोटोग्राफ्स भी हैं, ठीक है, वो दो फोटोग्राफ्स भी आपने इसी में डाल दिए, और साथ में ये सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप जिसमें पोस्टल स्टैम्प्स 42 रुपीज़ की होनी ज़रूरी है। एड्रेस प्रॉपर डालिएगा, अच्छे से देखो प्रॉपर हैंडराइटिंग से, ठीक है। मोबाइल नंबर्स भी नीचे मेंशन कर लीजिएगा। और ये जो एनवेलप बन गया, ये आपका एनवेलप एकदम तैयार है भेजने के लिए RIMC। ओके, RIMC नहीं, सॉरी, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स भेजने के लिए तैयार है। और ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स में जो एड्रेस दे रखे हैं वहीं पर भेजेंगे। फिर से फ्रॉम में अपना एड्रेस लिख लीजिएगा विथ प्रॉपर फ़ोन नंबर्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगा होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें।
हिट द बेल आइकन, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग हम आपके साथ लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।